श्री कृष्णा नवयुक्त रामलीला क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रामलीला बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस रामलीला में क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्लब द्वारा ये रामलीला पिछले 35 वर्षों से करवाई जा रही है। रामलीला करवाने का मुख्य उद्देश्य क्लब का पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना व बच्चों में रामलीला के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवाना है। श्री कृष्ण नवयुवक रामलीला क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रामलीला मैदान ज्वालामुखी में श्री कृष्णा नवयुवक रामलीला क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रामलीला बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस रामलीला में क्षेत्र के लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्लब द्वारा ये रामलीला पिछले 35 वर्षों से आयोजित की जा रही है। पहले रामलीला भाटी बोहन पंचायत में होती थी, लेकिन इस बार क्लब ने रामलीला कथोग पंचायत में करवाई है। रामलीला करवाने का मुख्य उद्देश्य क्लब की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना व बच्चों में रामलीला के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। इस रामलीला का समापन अब रावण दहन के साथ दशहरे को होगा। श्री कृष्णा नवयुवक रामलीला क्लब भाटी बोहन के प्रधान राजू खोला ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को हुई रामलीला में श्री राम द्वारा परशुराम जी का धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर हुआ था। इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा व योद्धा उपस्थित थे। इस रामलीला में अभिनय करने वाले स्थानीय युवक हैं जो अपनी भूमिका व प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन भी करते हैं। अलग अलग भगवान व महाराजाओं की वेशभूषा में सजे इन युवाओं को देखने रामलीला को शाम के समय पूरा गांव भी एकत्रित हो रहा है। स्थानीय महिलाएं रामलीला में राम की महिमा का गुणगान करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रही हैं। महिलाओं ने इस कार्यक्रम पे पूछे जाने पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जहां हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं, तो वहीं उनके बीच प्यार व साथ साथ काम करने की भावना भी पैदा होती है। हम 35 वर्षों से लगातार श्री कृष्णा रामलीला का क्लब का आयोजन कर रहे हैं। इस बार हम कथोक पंचायत में इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और आज सीता स्वयंवर है, जिसमें राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े योद्धा महाराजा उपस्थित होंगे। उसमें श्री राम जी इस धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह करेंगे और